हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे MDH मसालों से बनी हुई सुपर टेस्टी और लाजवाब पाव भाजी की रेसिपी। MDH मसालों से बनी हुई हर रेसिपी सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। पाव भाजी भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पाव भाजी खाना पसंद है तो आप इस मसाले से एक बार जरूर बनाएं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले लेंगे MDH पाव भाजी मसाले का ये पैकेट। पैकेट के पीछे पाव भाजी बनाने का तरीका लिखा हुआ है। ये 100 ग्राम का पैकेट है और इसका जो MRP प्राइस वो 83 रुपीज है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। भाजी बनाने के लिए मैंने 4 आलू को इस तरह से कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज की गाजर है और आधा कप यहाँ पर मटर लिया है। एक कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। सब्जियाँ ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी यहाँ पर इतना ऐड करें जितनी की सब्जियाँ पानी में अच्छे से डूब जाएं। अब यहाँ पर कुकर की लीड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक सब्जियों को अच्छे से पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद कुकर को ठंडा कर लिया। ये देखिए सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। अब एक मैसर की मदद से सारी सब्जियों को अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। सारी सब्जियों को इस तरह से एक मैसर से अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश करने के बाद सब्जियों को एक तरफ रख देंगे। अब पाव भाजी का मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद मीडियम साइज की 2 प्याज को इस तरह चॉप करके तेल में ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। प्याज को मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 3 मिनट फ्राई कर लेंगे जिससे कि प्याज का पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। ये देखिए प्याज को यहाँ पर गुलाबी रंग की फ्राई कर लिया। इस तरह से प्याज को आप भी फ्राई कर लें। इसके बाद 3 टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को अच्छे से प्याज में मिक्स करेंगे। इसके बाद MDH पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे। 4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। भाजी में अच्छा सा कलर लाने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड कर दें तो भाजी का जो कलर है काफ़ी अच्छा आता है। मसालों के साथ ही साथ यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर लें। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम आपको यहाँ एकदम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पर मसालों में अच्छा सा तेल छूटने तक मसालों को फ्राई करेंगे। मसालों को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके। 5 मिनट में मसाले काफी अच्छे से फ्राई हो चुके। मसालों को इस तरह अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें ऐड कर देंगे बॉयल की हुई अच्छे से मसली हुई सारी सब्जियाँ। सब्जियाँ ऐड करके मसालों में इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। MDH मसालों से बनी हुई पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सब्जियों को थोड़ा सा और मसल लेंगे, इससे जो पाव भाजी है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मसालों के साथ सारी सब्जियों को अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया। इसे दोबारा मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। ये पाव भाजी अभी यहाँ पर काफ़ी गाढ़ी है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। सब्जियों के साथ से 10 मिनट पकाना है। जिस कुकर में हमने सब्जियां बॉईल करी थी इसी कुकर से आधा कप पानी भी ऐड कर दिया। इसे भाजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसे पकाएंगे। 12 मिनट हो चुके। ये देखिए भाजी को हम दोबारा चलाएंगे। भाजी पकते हुए काफी अच्छे से गाढ़ी और टेस्टी हो गई है। इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें बटर और कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। भाजी में इसे भी अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट और पका लेंगे। भाजी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके। ये देखिए बहुत ही ज्यादा गाढ़ी और एकदम सुपर टेस्टी ये पाव भाजी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और भाजी को गर्मा गर्म कर लेंगे। ये लीजिए MDH मसालों से बनी हुई टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार है। आप भाजी के ऊपर थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दें और कटी हुई प्याज और गर्मा गर्म पाव के साथ सर्व करें। सभी को ये पाव भाजी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो आप भी इस भाजी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।